नमस्कार दोस्तों। तो ये टाटा का स्टॉक रिकॉर्ड तोड़ चुका है यार। मर्जर के बाद तो इसमें बड़े धमाके होने वाले हैं, ये याद रखिएगा। बहुत सही स्टॉक है, आपको बेसिक से समझाता हूँ। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन ये याद रखिएगा। 34.5 प्रमोटर की शेयर होल्डिंग थी, उतनी की उतनी है। FIIs ने 0.2% कम करके 25.4 के है, बट ज़्यादातर माल पब्लिक से खींचा गया है। 1% के अराउंड 23.8% रह गया पब्लिक के पास। अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो देखिए, 6900 करोड़ का रेवेन्यू था 2018 में, 13900 करोड़ हो गया। रेवेन्यू डबल हो चुका है, तो रेवेन्यू बहुत सही चीज़ है, रेवेन्यू का डबल होना। अब रेवेन्यू डबल होने से भी काम नहीं चलता कि आप रेवेन्यू डबल कर लो, बाकी चीज़ें ना हो, वो भी ज़रूरी है। प्रॉफिट का भी बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉफिट कितना था 2018 में? सिर्फ 495 करोड़ था, प्रॉफिट बढ़ के 1200 करोड़ हो गया। तो प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा हो गया, ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है इसके रिगार्डिंग। अब देखिए, मर्जर की अगर बात की जाए तो ये स्टॉक एक्चुअली में मर्जर का भी कैंडिडेट हो चुका है, क्योंकि टाटा कॉफ़ी के साथ इसके मर्जर की न्यूज़ आ ही चुकी है। वो बहुत जल्दी मर्जर हो भी जाएगा, दोनों टाटा कॉफ़ी एनलिस्ट हो जाएगा, मार्केट से चला जाएगा, सिर्फ टाटा कंज्यूमर रहेगा। और बिग बास्केट जैसी जो आपकी ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस है, जो कि उसी दिन भी करते हैं डिलीवर, अगले दिन भी करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इसके लिए। और इनका फोकस बहुत अच्छा है, ये याद रखिएगा आने वाले टाइम के लिए। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई सोच रहा है तो इसको स्टडी जरूर कीजिए। टाटा कंज्यूमर ये आज हाईएस्ट अपने लेवल पे पहुंच गया है, 52 वीक हाई पे। 5 साल में 280%, देखिए मैं वो नहीं बताऊंगा जो 5 दिन में डबल होंगे, ऐसे स्टॉक मुझे नहीं पता। तो नज़र बनाए रखिए, स्टडी कीजिए, किसी के कहने पर बाय मत कीजिए, स्टडी करके ही बाय कीजिए। धन्यवाद।